बेसन का चीला तो सबने खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी स्टाइल में बेसन डोसा, जो ना सिर्फ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो वेट लॉस के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपने बाजार में बेसन डोसा कभी खाया हो तो आपको लगेगा कि ये कितना क्रिस्पी बनता है। तो उसी स्टाइल में मैंने कुछ आपके साथ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि क्रिस्पी डोसा सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट बेसन से कैसे बनता है। मील इन 15 मिनट्स की सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी सा, न्यूट्रिशियस सा और वेट लॉस का ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसका नाम है बेसन डोसा। बेसन डोसा शायद मेजरली लोगों ने नहीं खाया होगा, मेजरली लोग आप बेसन चीला खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन बेसन डोसा बहुत ही क्विक है, हेल्दी है और बच्चों के लिए एकदम ये परफेक्ट गो टू रेसिपी है टिफिन के लिए। इसमें मैंने कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करा है, सिर्फ बेसन से ही ये रेसिपी बनाई है। इसमें आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो बच्चे नहीं खाते, जैसे कि पनीर हो गया, कैप्सिकम हो गया, ओनियन, टोमेटो, जो भी सब्जी बच्चे नहीं खाते वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने कुछ आपके साथ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। चलते हैं किचन में बनाने के लिए ये रेसिपी कैसे बनती है। बेसन डोसा बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप बेसन लिया है। पानी आप धीरे धीरे करके ही डालिएगा इसमें। तो मैंने 1 कप पानी लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाला, अच्छे से मिक्स किया इनको, और आपको इनको अच्छे से फेंटना है ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। अब मैंने थोड़ा और पानी डाला इसमें, इसकी आपको एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी बनानी है, जैसे आपका डोसा होता है, अगर अगर आपने बाजार में खाया तो एकदम कैसा डोसा होता है, बिल्कुल रिबन जैसी कंसिस्टेंसी, वैसे ही हमें इसका बैटर बनाना है। सो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाला मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आधा छोटा चम्मच, और अब थोड़ा सा पानी डाला जो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो इसके लिए मैंने विस्कर यूज़ किया है, जिससे लम्स नहीं पड़ते और बहुत ही जल्दी हो जाता है ये। तो इसको लगातार फेंटते रहिए 1 से 2 मिनट तक, ताकि कोई लम्स ना रह जाए, वरना आपका डोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा पानी और डालिए और इसको एकदम अच्छे से फेंटिए। ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, जो भी वो गुठलियाँ होती है वो ना रह जाए, जिससे आपका डोसा खराब बने। ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए डोसे के बैटर के लिए, बिल्कुल ऐसी। तो इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक लगातार फेंटा है। तो हमारा ये बैटर बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बना है ये। अब हमने एक पैन को गर्म किया, मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है। इसमें मैं बिना ऑयल के डोसा बना के दिखाऊंगी आपको। तो मैंने 1 करछी बेसन का बैटर लिया, इसको हम अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि ये देखिए बिल्कुल पतला बने। जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है वहाँ से आप स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेट लॉस स्टाइल में बना रही हूँ, इसलिए मैंने ऑयल नहीं डाला है। आप इसमें ऑयल या बटर डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैंने इसमें स्प्रिंकल किया थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब डालते हैं हम इसमें टॉपिंग्स। तो मैंने इसमें आधा कटा हुआ थोड़ा प्याज डाला है, बिल्कुल फाइनली चॉप। आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, टोमेटो डाल सकते हैं। टोमेटो के आपको बीच वाला पार्ट नहीं डालना, सिर्फ जो ये एंड का पार्ट है वही डालेंगे हम। अगर आपने उसमें वो गूदा डाला तो उससे डोसा गीला हो जाएगा। पनीर डाला मैंने इसमें, आप ऊपर से इसमें थोड़ा सा चीज़ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए, डोसा नीचे से एकदम पक चुका है, एकदम क्रिस्पी हो गया। अब हम इसको
फ्लिप कर रहे हैं, थोड़ा सा ये साइड से टूट गया है। ये देखिए हमारा क्रिस्पी बेसन डोसा बनके रेडी हो गया है, एकदम बाजार जैसे स्टाइल में। आप ऊपर से इसमें चीज भी डाल सकते हैं, आप अंदर भी चीज डाल सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा डोसा बना के दिखाती हूं। तो आप इसमें आयरन का तवा भी ले सकते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी रोटेट करें इवनली, ताकि कहीं से भी मोटा ना रह जाए। ये देखिए अब इसमें मैंने स्प्रिंकल किया लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा प्याज कटा हुआ। तो आप इसमें कॉर्न्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, तीनों टाइप की पनीर डाल सकते हैं, टोमेटो डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं। आप उसमें एक या दो ही बनाकर खाएं, आपको एकदम ये लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए एकदम ये परफेक्ट रेसिपी जाती है, अगर आपको कुछ भी बनाने का मन नहीं करे तो। तो ये देखिए थोड़ा सा भी इसको और पकना है, एक से दो मिनट हो गए हैं और हमारा ये दूसरा क्रिस्पी स्टाइल बेसन डोसा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। आप नॉर्मल जो चावल का डोसा खाते हैं आप वो खाना भूल जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। ये देखिए इसकी स्टफिंग, तो हमारा ये क्रिस्पी स्टाइल बेसन डोसा बनके रेडी हो गया है। आप इसको एक से दो ब्रेकफास्ट में खाएं या डिनर में खाएं, एकदम ये परफेक्ट रेसिपी जाती है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और ये न्यूट्रिशियस भी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ट्राई करने के बाद ये रेसिपी कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही में लाइक करें मेरी वीडियो को, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर आए। इस वीडियो को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो वेट लॉस जर्नी में है। तो आप इसको हरी धनिया की चटनी के साथ और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसकी अंदर की टॉपिंग्स। तो ये मैंने मिंट की चटनी बनाई है, आप इसमें हरे धनिया पुदीने की चटनी कोई भी बना सकते हैं, सबके साथ एकदम ये परफेक्ट रेसिपी जाती है। तो इस रेसिपी को आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको टिफ़िन में बना के दीजिए, एकदम ये टिफ़िन बॉक्स रेसिपी भी है। तो आप इसमें जितनी भी सब्जियां डाल सकते हैं जो बच्चे नहीं खाते वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बच्चे खुश होके खाएंगे ये। इसको मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाया है, ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है ये। अगर आप जल्दी में हो या कुछ भी घर में नहीं हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी ये वीडियो जरूर ट्राई करेंगे अपने घर पे। अगर आप मेरी ये वीडियो ट्राई करें तो मुझे टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं
चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिले मेरी इन वीडियो से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर आए, और मेरे को मैक्सिमम लाइक्स दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ।